इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्कोप को और एक प्रैक्टिकल इसका यहाँ पर हम परफॉर्म करेंगे। तो ये सामने इलेक्ट्रोस्कोप है, ये हो गया इसका कंटेनर है ना, और बीच में ये जो हैं दो लीव हैं एलुमिनियम फॉइल की, ठीक है। तो वही एलुमिनियम फॉइल जिसको हम जो लंच वगैरह पैक करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक। और ऊपर वही एलुमिनियम फॉइल है, उसको इसके साथ इसको मेटल प्लेट की तरह शेप दे दी गई है, ठीक। ये मेरे पास है पॉलीथीन की जो शीट है उसको रोल किया हुआ है, तो ये एक रोड टाइप में बन गई है। और एक नायलोन का क्लॉथ लेंगे, वही जो पहले L1 लेक्चर में लिया था, और उसके साथ इसको रब करूँगा, ठीक है। तो रब करने के बाद फिर देखते हैं कि ये जो फॉइल हैं जो एलुमिनियम की जो यहाँ पर लीव बनाई हुई हैं वो किस तरह तो थोड़ा थोड़ा रेस्पॉन्स आ रहा है और थोड़ा सा मुझे रब करना पड़ेगा, हाँ। एक बार और हाँ। तो अब ये अच्छी तरह से चार्ज है, भी एक बार और करना पड़ेगा। चलो एक बार और करते हैं, तो रेस्पॉन्ड कर रही है। तो ये हैंडमेड हमारा इलेक्ट्रोस्कोप है, और ये है ना, अब मैं इसको ओपन करता हूँ और फिर देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो सिर्फ एक ही ग्लास है ना, इसको कंटेनर की शेप दे दी गई है, दो फॉइल हैं। अब इसमें यहाँ पर ड्यू टू इंडक्शन अट्रैक्शन हो रहा है, ठीक। ये जो पॉलीथीन की जो शीट है ये चार्ज है अभी भी, तो ये क्या कर रही है, ये इसको अट्रैक्ट कर रही है। तो मैं अर्थड हूँ बेसिकली, अब काम नहीं करेगा, कंटेनर में आके काम करता है। तो बस इसको इस तरह एक वायर लिया है कॉपर का, और उसको हुक टाइप में बना के, और ये मैंने इसको दो वो उसकी लीव बनाई और उसको इसमें लगा दिया, ठीक। और ये ऊपर